और बाईपास पर हुए हादसे में 6 लोगों की जान जाने के बाद शहर में मौजूद ब्लैक स्पॉट की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। यातायात पुलिस की रिपोर्ट में अभी भी जिले में 9 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पिछले 3 सालों में 87 लोगों ने जान गंवा चुका है। वहीं 76 लोग घायल हुए हैं। और यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को जो स्थान पर हादसा हुआ वो ब्लैक स्पॉट कभी नहीं रहा है, लेकिन इसकी अलग से जांच की जाएगी। करीब 3 साल पहले तक इंदौर में 3 दर्जन ब्लैक स्पॉट थे, जहां लगातार सड़क हादसे होते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी विभागों ने सहयोग से इन स्पॉट को खत्म कर दिया है। यातायात पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार शहर में अभी भी 9 ब्लैक स्पॉट बचे हैं और अब योजना बनाकर इन्हें खत्म करेंगे।